गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड थर्ड में अपना इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालो, उसी में का पेज नंबर 5353 खोलेंगे तो उसी में यूनिट नंबर 6 का ये लेसन मिलेगा। लेसन का नाम है ट्रेन से। ये देखो पिक्चर दिया है, ये ट्रेन गाड़ी तो तुम लोग देखे होंगे और सब लोग इसी पे सवारी भी किए होंगे। देखो, हैव यू ट्रेवल्ड ऑन ए ट्रेन, तुम लोग ट्रेन में ट्रेवल किए हैं क्या? यस। ट्रेन गाड़ी से जाते हैं तो अपने को खिड़की से बाहर का चीज देखेंगे तो अपने को बहुत मजा आता है। कहाँ कहाँ से ये गाड़ी जाती है, ट्रेन जाती है, उसके बारे में ये लेसन है। ओवर द माउंटेन्स, पहाड़ के ऊपर से। ओवर द प्लेन्स, प्लेन एरिया, फ्लैट लैंड के ऊपर। ओवर द रिवर्स, नदी के ऊपर से भी। हियर कम द ट्रेन्स, ट्रेन कहाँ से? पहाड़ी से भी जाता है, प्लेन एरिया, और नदी के ऊपर से भी। पुल बनाया रहता है, उसी के ऊपर से भी जाती है। कैरिंग पैसेंजर्स, कैरिंग मेल, ब्रिंगिंग दियर प्रीसियस लोड्स इन विदाउट फेल। अभी देखो ट्रेन है, पैसेंजर ट्रेन भी रहती है और गुड्स ट्रेन भी रहती है। गुड्स ट्रेन ये रहा, इसी पे सामान लेके जाते हैं। और मेल बोलेंगे तो इसी के अंदर बहुत सारा लेटर्स भी रहता है और सामान, बड़े बड़े कंपनी में काम सामान बनता है, वो भी ये गुड्स गाड़ी में जाता है। थाउजेंड्स ऑफ फ्रेट कार्स ऑल रशिंग ऑन थ्रू डे एंड डार्कनेस थ्रू डस्क एंड डाउन। अभी डे बोलेंगे तो दिन है, डार्कनेस बोलेंगे तो नाइट है, अंधेरा होने के बाद। और ये डस्क बोलेंगे तो क्या है? सुबह का टाइम। सुबह कैसे 5 बजे का समय पे कैसे उजाला आने से, पूरा सन आने से पहले रहता है, वो समय को बोलते हैं डस्क। यही डाउन किसको बोलते हैं? सनसेट होने से होने वाला है वो समय का, शाम का समय को डाउन बोलते हैं। समझ लो कैसे 6 बजे से 7 बजे, 7:30 बजे का वो समय को बोलते हैं। उसी वो समय पे भी ट्रेन गाड़ी जाते रहती है। और इसी में फ्रेट कार्स बोलेंगे तो बहुत सारा पैसेंजर्स लोग को लेके जाता है, उसको बोलते हैं। ओवर द माउंटेन्स, ओवर द प्लेन्स, ओवर द रिवर्स, हियर कम द ट्रेन्स। कैसे? ट्रेन ये पहाड़ी एरिया पे और नदी के ऊपर से भी, पुल में से भी जाता है, प्लेन्स में भी जाता है, वही बताया है। अब इसी में देखो न्यू वर्ड्स है, माउंटेन्स पहाड़, पैसेंजर्स मतलब उसी में ट्रेवल करते हैं ना वो लोग को, ट्रेन में ट्रेवल करेंगे क्या गाड़ी में, वो लोग को पैसेंजर्स बोलते हैं। रिवर्स तो नदी को बोलते हैं। प्रीसियस बहुत महंगा वाला चीज रहता है। मेल बोलेंगे तो लेटर्स। और प्लेन्स फ्लैट एरिया, फ्लैट लैंड। डस्क, डस्क तो एकदम सुबह का टाइम रहता है वो, और डाउन है तो वो शाम को समय को बोलते हैं। अभी अपने टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 55 निकालो, उसी में ये दिया है। देखो शॉर्ट आउट दिस डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द करेक्ट ग्रुप। ये देखो इसी में गाड़ियों का नाम दिया है, व्हीकल, टाइप ऑफ व्हीकल दिया है। वो लैंड ट्रांसपोर्ट रहेगा, मतलब लैंड पे रोड पे जाने वाला रहेगा, उसको इधर लिखने का लैंड ट्रांसपोर्ट के नीचे। एयर ट्रांसपोर्ट बोलेंगे तो हवा में जाता है, उसको इसके नीचे। और वाटर बोलेगा तो लैंड ट्रांसपोर्ट, वो यहाँ लिखने का है। अब इसी में देखो लैंड वाले में बस दिया है, कार और ट्रेन, ट्रेन भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आएगा। और बाइसाइकिल BICYCLE, और ट्रक भी लैंड ट्रांसपोर्ट है TRUCK, और एयर ट्रांसपोर्ट में आएगा एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर। और वाटर ट्रांसपोर्ट में आएगा बोट, स्टीमर और शिप, ये इधर लिख लेने का। और नीचे का देखो ये गिव मी सम डैश टू ईट, ब्रैकेट में दिया है फूड और क्लोथ, कपड़ा और खाना। अपने को खाने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, इसलिए इधर फूड लिखेंगे। सेकेंड वन है प्ले विथ डैश, मी मतलब मेरे साथ, मुझे। और ग्रे बोलेगा तो ये कलर है, इधर क्या आएगा? प्ले विथ मी, मेरे साथ खेलो। स्विम अक्रॉस डैश द रिवर, द रिवर बोलेगा तो नदी। द बोट, बोट बोलेंगे तो जहाज। क्या आएगा? स्विम अक्रॉस, किसी में तैरेंगे, नदी पे स्विम करेंगे, द रिवर। लेट्स गेट ऑन द डैश ट्रेन, ट्रेन से
जाएंगे, ट्रेन लिखने का टी आर ए आई एन, ट्रेन पे बैठते हैं जाते हैं, ऐसा मीनिंग में आएगा। अब ये भी लिख लेने का, ये लेसन तुम लोग अच्छे से रीड करना है और वन टाइम पोयम तुम लोग का बुक में लिख